नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव समाप्त हो गए। अब आगामी चरणों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक मेगा रैली करेंगे। उससे पहले उन्होंने सोलापुर में जमकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला सुनाने में देरी करने और धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार स्मृति जुबिन ईरानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अमेठी लोकसभा सीट पर सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया व तीसरी बार इस सीट पर प्रत्याशी बनाई गई। 2019 में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मात दी थी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां से उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सपा मुखिया ने कहा कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। वो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक हैं, हम लोग रक्षा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एटा के लोगों को बीजेपी ने बहुत धोखा दिया, इनका हर वादा झूठा निकला। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीति तेज हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। इस्तीफे पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तिहाड़ प्रशासन ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता को मुलाकात की अनुमति दी है। कल रात को तिहाड़ जेल ने मुलाकात रद्द कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मिलने की अनुमति मिल गई। आपने कहा कि जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भवन मान मंगलवार यानी कल केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। देश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। बिहार झारखंड समेत देश के लगभग आधे से अधिक हिस्से में जहां आसमान से आग बरसती आग और पश्चिमी हवा के सहारे बहती लू से लोग झुलस रहे, वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के हिमालयी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो रही। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज आंधी के साथ पानी और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पत्र साझा किया, जिसमें कथित तौर पर भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कर्नाटक राज्य इकाई प्रमुख लिखा था। पवन खेड़ा ने पूछा कि अगर बीजेपी को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पता था तो उसने जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि रेवन्ना को जर्मनी भागने में किसने मदद की थी। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भाजपा के लोग अब साथ में हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य वाले भाजपा के नारे का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की, फिल्म भी फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा 400 की फिल्म फ्लॉप हो चुकी, बीजेपी के लोग डिप्रेशन में है, पूरे देश ने अपना मूड बना लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 2024 रणवीर सिंह के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। वह लगातार कई फिल्में साइन कर रहे हैं। अभिनेता के पास पहले से ही निर्देशक फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 है। इसके अलावा रणवीर के पास निर्देशक शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की मेगा बजट फिल्म सिंगम अगेन भी है। अब एक और फिल्म रणवीर ने साइन कर ली है। रणवीर अब निर्देशक प्रशांत शर्मा की फिल्म राक्षस में नजर आएंगे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ।